वेलकम टू माई चैनल। स्टूडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजेस कंप्यूटर के लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं और क्या है, कंप्यूटर इज़ ऑल्सो बींग यूज इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरीज में यूज़ हो रहा है, इट इज़ यूज, ये यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड, बुक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए। एंड लाइब्रेरी मेंबर्स और लाइब्रेरी मेंबर्स के कौन कौन लाइब्रेरी के मेंबर हैं, सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाता है। और रिकॉर्ड भी, बुक्स का भी रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन कौन सी बुक्स उसने क्या की हैं, किसने ली हैं और किस मेंबर ने, मतलब जो मेंबर है ना लाइब्रेरी का, उसने कितनी बुक्स लेके गया और जो उसने रिटर्न कर दिए कि नहीं। और बुक्स का भी रिकॉर्ड सारा रखा जाता है कि कितनी बुक्स हैं और कौन कौन सी हैं। एनी पर्सन कैन सर्च द रिक्वायर्ड बुक इन द लाइब्रेरी, और कोई भी पर्सन जो है रिसर्च कर सकता है रिक्वायर्ड बुक जो भी रिक्वायर होगी लाइब्रेरी में। सर्च कैन बी बाय बुक नेम, डन बाय बुक नेम, ऑथर और पब्लिशर वगैरह। द सर्च इज़ डन इन सेकेंड्स यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से जो है फ़ौरन सर्च हो जाएगी कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। लाइब्रेरियन कैन ऑल्सो नो अबाउट द लिस्ट ऑफ बुक्स डैट हैव नॉट बीन रिटर्न्ड इन ड्यू डेट, और उसको वो भी पता होता है इस तरह कि ड्यू डेट पर जो मुकर्रा वक्त डेट थी उस पर रिटर्न की गई है बुक जो लेके कोई गया। इट कैन सेंड ए वार्निंग टू द मेम्बर्स हु हैव नॉट रिटर्न द बुक्स, वो फिर उनको वार्निंग सेंड कर देते हैं कि अभी तक आपने बुक नहीं रिटर्न की, इसको कर दो वरना फाइन हो जाएगा। ऑल टास्क इन ने लाइब्रेरी कैन बी परफॉर्म मोर इजीली एंड क्विकली विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। बुक्स का रिकॉर्ड रखना हो, बुक्स का इस तरह से रिकॉर्ड रखना हो कि कौन कौन सी बुक्स हैं अवेलेबल और ऑथर नेम सारा टाइप करो और ताकि वो बुक आ जाए, और ये कि किसने जो बुक ली है मेंबर ने उसने रिटर्न की है कि नहीं की स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो सारा कंप्यूटर का जो है लाइब्रेरी में बहुत बड़ा रोल है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक